इंडिया और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में श्रीलंका के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया, लेकिन ये फैसला बुरी तरह से गलत साबित हुआ। जैसे ही श्रीलंका के बैट्समैन पिच पर उतरते हैं, उनका सामना घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज के होता है। मोहम्मद सिराज ने एक ओवर में ही 4 विकेट ले लेता है, मतलब कि श्रीलंका के बैट्समैन का आधा बैट्समैन खत्म। पहले बुमराह 1 विकेट लिया, इसके बाद सिराज 4 विकेट लिया, फिर सिराज फिर विकेट लेते हैं, टोटल 6 विकेट लेते हैं। और इसके बाद हार्दिक पांड्या को मौका मिलता है बॉलिंग करने के लिए, हार्दिक पांड्या भी पीछे नहीं रहते हैं, हार्दिक पांड्या को भी 3 विकेट मिलता है। इस तरह श्रीलंका के बैट्समैन मात्र 50 रन में ही ऑल आउट हो गया। इंडिया को जीत के लिए 51 रन की ज़रूरत है। ये एक छोटी स्कोर है और पहली मैच और फाइनल मैच में होगा कि 51 रन का टारगेट मिला किसी टीम को। इंडिया 51 रन का टारगेट बहुत ही आसानी से चेस कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।